नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं माई टेक्नोलॉजी इन्फो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, मेरे एक आर्टिकल जो है फर्स्ट पेज पे आ रहा है अभी, और उस पर कौन सा कीवर्ड मैंने यूज़ किया है और कैसे लिखा है उसको, और क्या है कि गूगल का एल्गोरिदम क्यों मेरे आर्टिकल को फर्स्ट पेज पे लेके आया है, क्या मिला है उसको, उसमें कैसे रिप्रेजेंट किया है, पूरी चीज़ जो है आपको मैं बताने वाला हूँ, पूरा विथ एनालिसिस बताऊंगा। उसके बाद एक और चीज़ बताऊंगा आपको जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि आपका एक आर्टिकल है, सपोज आपने लिखा हाउ टू लूज वेट, और वो आर्टिकल दो कीवर्ड पे, अलग अलग कीवर्ड पे फर्स्ट पेज पे आ रहा है, लेकिन गूगल दोनों को दो तरह से दिखा रहा है, ठीक है? उसके पीछे क्या राज होता है, गूगल का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, कैसे आपके आर्टिकल को उठाता है, क्या उसमें देखता है, क्या नहीं देखता है, पूरी एनालिसिस बताऊंगा। बहुत जरूरी है यूजर एंगेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने गूगल को कन्विंस कर लिया अपने आर्टिकल के लिए, तो आपके पास ट्रैफिक की कमी नहीं होगी, कहीं पे आपको सोशल मीडिया कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको आपके पास कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें भी डिटेल में बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, तो पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। स्किप करके भागने वाली वीडियो नहीं है ये, कि भाई आगे भगा के आपने यूआरएल ले लिया, फिर बैकलिंक बना लिया, जो भी है इसको आप पूरा देखिएगा। अगर आपके पास 8-10 मिनट का टाइम है तभी इस वीडियो देखिए, वरना जब टाइम हो तब देखिए, बंद कर दीजिए अभी, मैं यही रिकमेंड करूंगा, ठीक है? तो और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बता दूं आपको, मेरा एक इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल है, ज़्यादा लोग इसमें फॉलोअर नहीं है, अराउंड 54 फॉलोअर्स है, लेकिन मेरा क्या प्लान है, आजकल मैं लोगों को देख रहा हूँ कि लोग इंस्टाग्राम पे फेस टू फेस इसमें लोग बात कर सकते हैं। भाई आप फेस टू फेस मेरे सवाल पूछ सकते हैं, मैं अभी आपको फेस, ये चीज़ें यूट्यूब में नहीं है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि आप फॉलो कीजिए, यहीं पर हम लोग ऑनलाइन सेशन करेंगे, जिसमें कि आपका कोई डाउट होगा वो ले सकते हैं, जो भी किसी को कुछ तरह का डाउट, एक टाइम फिक्स करेंगे और आएंगे। तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप इसको फॉलो करके आइए और फॉलो कीजिए मुझे, मेरे प्रोफाइल को। इसमें ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं रहा हूँ फिलहाल, बट हाँ रहता हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी जीरो रहता हूँ, ठीक है? तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं ताकि इस पर हम ऑनलाइन सेशन करें आने वाले टाइम में, मे बी नेक्स्ट संडे को मैं ऑनलाइन सेशन इसी पे करूँ, तो जैसे आप लोग का रिक्वेस्ट रहेगा उसके हिसाब से करेंगे। ज़्यादा लोग फॉलो करेंगे तो मुझे लगेगा ऑनलाइन आना सही है, तो मैं इस पर ऑनलाइन आके फेस टू फेस सेशन करूंगा, फेस टू फेस आपसे सवाल लूंगा और आंसर दूंगा, ठीक है? चलिए देखते हैं कि कौन सा वो कीवर्ड है, कैसे रैंक कर रहा है। मेरा जो कीवर्ड है, अगर गूगल में जाके आप मारते हैं 25 टेक्टिक्स टू क्रिएट सक्सेसफुल वेबसाइट, अगर इस कीवर्ड को अगर आप हिट कर रहे हैं, तो ये जो फर्स्ट पेज पे जो पहला रिजल्ट आ रहा है वो मेरी वेबसाइट का है, 25 टेक्टिक्स। आप अगर फॉलो करें तो मालूम होगा, द बैकलिंक गुरु डॉट कॉम, ये मेरा वेबसाइट है, ठीक है? और ये टाइटल है, और यहाँ पे कुछ इसने जो है ये फिल्टर किया है। अब समझने वाली बात यह है कि ये मेरा पहला आर्टिकल पहले पेज पे क्यों आया, वो भी फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट नंबर पे, क्योंकि ये एग्जैक्ट मैच पे आया है, एग्जैक्ट यही कीवर्ड है जो मिला है उसको, इसलिए फर्स्ट पेज पे आया। पहला चीज मैंने नहीं बोला कि मेरा बहुत हाई सर्च वॉल्यूम है और लोग इसको, ये है कीवर्ड डिफिकल्टी, देखेंगे तो 76.96 का जो ये दिखा रहा है डेटाबेस के हिसाब से। अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे जो आपको ये सारे आर्टिकल्स जो मिलेंगे, ये उससे सिमिलर कीवर्ड्स उसमें यूज हुए हैं। सिमिलर बोले तो इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक, ठीक है, ट्रैफिक ऑन वेबसाइट, बिल्ड ए सक्सेसफुल वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट, स्टेप्स टू बिल्ड वेबसाइट, दिस दैट, क्रिएट अ सक्सेसफुल वेबसाइट, क्रिएट अ सक्सेसफुल वेबसाइट, ठीक है? तो उससे रिलेटेड, इस रिलेटेड कीवर्ड्स को क्या बोलते हैं, LSI कीवर्ड्स बोलते हैं, साइनोनिम्स बोलते हैं, ठीक है? तो ये हेडिंग बहुत मैटर करता है आपको आपकी साइट में डालने के लिए, जो SEO का टाइटल होता है वो। मैंने ये भी बताया था कि टाइटल के लिए कुछ एक वीडियो बनाया था जहाँ से आप अट्रैक्टिव टाइटल ले सकते हैं, पता नहीं कितने लोग यूज़ करते हैं उसको, जो सीरियस ब्लॉगर होंगे 100% यूज़ करते होंगे उसको, ठीक है? अब बात यहाँ ये है कि ये जो आया फर्स्ट पेज पे, वो तो आया, वो क्यों आया, क्योंकि लॉन्ग टेल पे एग्जैक्ट मैच पे आया। अगर आप लॉन्ग टेल फोकस करते हैं तो आप एग्जैक्ट मैच पे 110% फ्रंट पेज पे आएंगे, ये मेरा दावा है और ये प्रूफ आपके सामने दिख रहा है। ज़्यादा पुरानी वेबसाइट नहीं है, 1-1.5 महीने 2 महीने पुरानी वेबसाइट है, 1 महीना पहले का आर्टिकल है ये। ये आर्टिकल कब का है, 3 फरवरी, और आज है आपको 2 अप्रैल, मार्च, और ये 3 फरवरी से पूरा फरवरी गया, पूरा मार्च गया, 2 महीना पहले लिख के पब्लिश किया गया था, और 3 तारीख को ये इसका आके ये 3 महीना हो जाएगा, ठीक है? तो 2.5 से 3 महीने लगा यहाँ तक आने में। अब आप ये कहिए कि मेरा डाला है 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, नहीं नहीं आएगा, वो टाइम लगता है थोड़ा, जबकि इस पर कुछ भी काम सॉलिड नहीं किया है मैंने अभी तक, कुछ भी सॉलिड काम नहीं किया है। अब बात यहाँ यह है कि क्यों आया, क्योंकि लॉन्ग टेल पे आया, एग्जैक्ट मैच पे लॉन्ग टेल पे आया, ठीक है? अब आने से क्या हुआ, चलो मान लो इस पे महीने का 10 सर्च है, महीने का 20 सर्च, महीने का 30 सर्च है, नेचुरल ऑर्गेनिक, तो गूगल को एक इंडिकेटर जाएगा कि हाँ भाई ये आ रहा है फर्स्ट पेज, कितने लोग आ रहे हैं, इतनी देर रुक रहे हैं। पहला इंपॉर्टेंट ये होता है गूगल को इंडिकेशन भेजना कि मेरी आर्टिकल है जिस पे इतने लोग आते हैं और इतनी देर रुकते हैं, तुम देखो इसको, मेरे आर्टिकल को रैंक कराओ, ठीक है? अब ये चीजें आपको फॉलो करनी है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड पे एग्जैक्ट मैच पे आपको लेके आना है,
ठीक है, अब दो तरीके हैं, या तो वो इस फॉर्मेट में आएगा या तो रिच स्निपिट फॉर्मेट में आएगा। रिच स्निपिट फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी साइट को ग्रो कराने के लिए, आपके आर्टिकल को ग्रो कराने के लिए। अब बात यह है कि ये कैसे आएगा, अगर आप मुझे फॉलो करें तो इस पर भी ऑलरेडी वीडियो बनाया हूं, लेकिन आपको फिर से भी एक्सप्लेन करता हूं कि ये कैसे आएगा। इसके लिए अलग से कोई भी रॉकेट साइंस नहीं करना मेरे भाई, इसके लिए अलग से कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, कुछ भी प्लगइन कुछ भी नहीं करना है, लेकिन आपको ऐसे लिखना है कि गूगल जो है आपके आर्टिकल को इस तरह से बना सके। टाइट कपलिंग और लूज कपलिंग और टाइट कपलिंग का कॉन्सेप्ट पता होगा, अगर आप टेक्निकली बिलोंग करते हैं साइंस से या फिर ये कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं, तो लूज कपलिंग टाइट कपलिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है। ऐसा फ्लेक्सिबल कंटेंट लिखिए कि गूगल आपके कंटेंट को तोड़ मरोड़ के वो घुमा के एक अलग तरीके से लिख सके। टाइट कपल लिखिएगा तो नहीं होगा। लूज कपल का मतलब क्या होता है कि अब छोड़िए उसमें नहीं जाना है अभी उतना, ठीक है। अभी चलते हैं डायरेक्टली इस वेबसाइट को खोलते हैं। इस अगर लिंक को खोलिएगा तो आप यहाँ पे आइएगा। यहाँ पे आने के बाद आप देखिए पहले पहला क्या लिखा है इसने, डिजाइन योर वेबसाइट स्टार्ट पोस्टिंग कॉन्स्टेंट स्टार्ट ऑन पेज एसईओ। ये यहाँ पे फर्स्ट में नहीं लिखा हुआ, ये यहाँ पे फर्स्ट में नहीं लिखा हुआ, फर्स्ट में मेरा चूज योर नीच है। ये फर्स्ट में बता रहा है कि डिजाइन योर वेबसाइट, ये बोल्ड किया उसने, ठीक है, यहाँ बोल्ड किया बोल्ड किया बोल्ड किया, क्योंकि ये उनके हिसाब से सही है, बोल्ड करके खुद से दिखाएंगे वो। तो डिजाइन योर वेबसाइट जो पहला आ रहा है, डिजाइन योर वेबसाइट, ये डिजाइन योर वेबसाइट कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, वेयर इट इज डिजाइन योर वेबसाइट, ये 12वें नंबर पे है। 12वें नंबर से पिक किया और उसने एक समराइज किया। दूसरा स्टार्ट योर पोस्टिंग कॉन्टेंट, स्टार्ट पोस्टिंग कॉन्टेंट 13 नंबर पे है, देखते जाइएगा। चौथा है स्टार्ट ऑन पेज एसईओ, चौथा ऑन पेज एसईओ कहाँ, स्टार्ट ऑन पेज एसईओ, बाकी छोड़ दिया, टू ऑप्टिमाइज कंटेंट छोड़ दिया उसने, सिर्फ इतना उठाया, ठीक है। पांचवा क्या है, परफॉर्म ऑफ पेज एसईओ, परफॉर्म ऑफ पेज एसईओ यहां पे है ऑफ पेज एसईओ। तो यहां पे परफॉर्म उसने खुद से लिखा है, उसने खुद से ऑर्गेनाइज किया है, मैंने उसको बस इतना बताया है कि ऑफ पेज एसईओ टू रैंक योर वेबसाइट स्टार्ट ऑफ, उसने परफॉर्म खुद से ऐड किया यहाँ पे। उसके बाद लिंक बिल्डिंग, लिंक बिल्डिंग अगर आप देखेंगे कंट्रोल सी करके यहाँ जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल एफ कंट्रोल वी करेंगे तो लिंक बिल्डिंग का ये एक लास्ट में ये है। तो इसलिए बार बार कहा जाता है कि अगर आप एक ऑप्टिमाइज वेबसाइट लिख रहे हैं तो इट शुड बी बुलेट्स, बुलेट्स को पढ़ने में आसानी होता है गूगल को, बुलेट्स को पढ़ने में आसानी होता है गूगल को, आपको लिखना है बुलेट्स में, आपको लिखना है नंबर्स के अंदर। अब ये काफी बड़ा पोस्ट है, इसको खींच के ऊपर जाना पड़ेगा ताकि आपको दिखा। तो अब ये इसने लिखा, अगला क्या लिखा है, गेस्ट पोस्ट, वेब गेस्ट पोस्टिंग, वेब 2.0 सबमिशन, ये सारी चीजें कहाँ है, ये सारी चीजें वहीं थी नीचे थी जहां पे इसने ये किया है। कहाँ भाग गया भाई, ठीक है, यहां देखिए यहां पे उठाया है। उसके बाद बुक मार्किंग, डॉक्यूमेंट सबमिशन, ये कहां से उठा रहा है, तो कुछ चीजें उसने यहां से उठाई है, कुछ चीजें उसने ऊपर से टेबल ऑफ कंटेंट उठाया है। दोनों को मिलाने के बाद बी कंसिस्टेंट, कनेक्ट टू योर ऑडियंस, कॉन्फिगर गूगल एड्स, दिस वन एनालिटिक्स, गूगल के हिसाब से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक सक्सेसफुल वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो गूगल ने इन चीजों को ढूंढा, गूगल जब इस कीवर्ड को ढूंढा तो इसने पढ़ा यहाँ पे, बोला हाँ ये चीजें हैं, इसको उठा के अपने से फॉर्म किया और उसने एक आर्टिकल बनाया। इसका मतलब ये है कि अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं तो पूरी डिटेल में आर्टिकल लिखिए, जो जो चीजें जरूरत होती है उसको लिखिए, ताकि गूगल उन चीजों को पढ़े और उसको मिले तो उसको ढूंढ उसको वो निकाल के रिपरफॉर्म करके उसको दिखा दे। सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ, अगर इसको समझ सकते हैं तो इसको इंप्लीमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ये रीजन है इसको स्निपिट में लेके आने का, क्योंकि गूगल को वो हर चीज मिला है इस आर्टिकल में जो उसको चाहिए, ताकि वो रीच स्निपिट फॉर्म कर सके और यहां पे वो लिंक दे सके। लिंक क्लिक करने पे भी इसी आर्टिकल पे जाइएगा और ये लिंक क्लिक करने पे भी उसी आर्टिकल पे जाइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट का, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये मेरा एक आर्टिकल है, वेबसाइट है द बैकलिंग, इसका क्या बोलते हैं, आवर डिजिटल अकेडमी, आवर डिजिटल अकेडमी में एक पिंगोमैटिक एक कीवर्ड है, पिंगोमैटिक कीवर्ड पे वो मारिएगा तो मेरा आर्टिकल चौथे नंबर पे आएगा। यहाँ पे आवर डिजिटल अकेडमी से ये चौथे नंबर पे आएगा और ये आर्टिकल खुल के आपके सामने आएगा अगर आप खोलेंगे तो, ठीक है। अब ये तो आपने देख लिया कि पिंगोमैटिक पे भाई आर्टिकल दिलीप भाई का आ रहा है चौथे पेज, चौथे नंबर पे। दूसरा आपने क्या किया, व्हाट इज पिंगोमैटिक मारा, गेम देखिएगा यहाँ गूगल का, ठीक है। व्हाट इज पिंगोमैटिक, व्हाट इज गूगल मारते हैं ये क्या किया, फर्स्ट पेज लेकर आया, रिच स्निपेट में फोटो तो सब खींच लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगर समझ में आ रहा है तो समझने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज पिंगोमैटिक में और इसमें क्या डिफरेंस है भाई। द ओनली डिफरेंस इज दिस इज शॉर्ट टेल कीवर्ड एंड दिस इज लॉन्ग टेल कीवर्ड, दिस इज प्रूफ दैट लॉन्ग टेल कीवर्ड जल्दी रैंक होते हैं, अच्छे से रैंक होते हैं, स्निपिट्स में आते हैं और आपके आर्टिकल पे ट्रैफिक भेजने के लिए काफी हेल्पफुल है, ठीक है। लॉन्ग टेल कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करना है, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला को आपको अगर आपको जानना है, जो लोग इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं वो 100% पूछेंगे मुझे कि हाँ वो ये फॉर्मूला क्या है लॉन्ग टेल वीडियो निकालने का, लॉन्ग टेल कीवर्ड निकालने का, मैं वेट करूंगा, इससे पता चलेगा मुझे कितने लोगों ने मेरे वीडियो को पूरा देखा है, ठीक है।
तो इसका और इसमें एल्गोरिदम अलग अलग है। पिंगोमेटिक में अगर लिखते हैं तो वो नॉर्मल आएगा, अगर व्हाट इज पिंगोमेटिक लिखते हैं तो रिच स्निपेट में आएगा। ठीक है, अब सेम आर्टिकल पे गूगल ने दो तरह से बिहेव किया, दो अलग अलग कीवर्ड्स पे दो तरह से बिहेव किया। लॉन्ग टेल पे स्निपेट में दिखाया, शॉर्ट टेल पे नॉर्मल दिखाया। बॉस शॉर्ट टेल पे जाएंगे तो नॉर्मल में ही रह जाएंगे, लोग क्लिक करेंगे, चांसेस बहुत कम रहेगा। लॉन्ग टेल पे जाएंगे लोग 100% क्लिक करेंगे, फर्स्ट पेज पे फर्स्ट नंबर पे रिच स्निपेट में विथ इमेज आएगा। नहीं क्लिक नहीं करने का 2% चांस होता है, 98% चांस होता है कि आपका आर्टिकल क्लिक होगा। अब यहाँ पे क्या है, ये रिच स्निपेट कैसे बनाया, आपको इमेजेस डालने हैं प्रॉपर, उसमें एक एक प्रॉपर डेफिनेशन डालना है। अगर इस आर्टिकल को खोलेंगे तो व्हाट इज पिंगोमेटिक में ये मैंने लिखा है, हाईलाइट किया थोड़ा इसको, एक एक प्रॉपर वे में जो एक्सप्लेनेशन दिया था वो दिया है। गूगल ने इसको पूरा उठाया कि क्या उठाया मुझे ही पता नहीं, पिंगोमेटिक ये हेडिंग उठाया पिंगोमेटिक, वन ऑफ द थिंग यू कैन यू हैव पब्लिश अ न्यू आर्टिकल, पता नहीं ये यू हैव पब्लिश अ न्यू आर्टिकल, आई गेस ये मेरा लॉगिन है इसलिए ये ओके, मेरा लॉगिन है गूगल इसलिए ये बता रहा है। ठीक है, मल्टीपल टेक्निक्स यू कैन से टेक्निक, हाँ ये रहा, यू हैव पब्लिश अ न्यू आर्टिकल, ओके ठीक है ये मैंने लिखा था। तो ये पोर्शन को उठाया है, ठीक है इस पोर्शन को उठाया है, इतने को डाल दिया है। तो अब आप समझिए लॉन्ग टेल कीवर्ड का गेम, शॉर्ट टेल कीवर्ड का गेम। लॉन्ग टेल कीवर्ड पे गूगल अलग बिहेव करता है, शॉर्ट टेल कीवर्ड पे गूगल अलग बिहेव करता है। एग्जैक्ट मैच पे गूगल अलग बिहेव करता है, एग्जैक्ट मैप पे इसलिए बिहेव करता है कि ये एग्जैक्ट मैप है, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड पे अगर कोई बंदा क्रिएट सक्सेसफुल वेबसाइट बनाता है तो अगर ये चीज आता तो शॉर्ट टेल पे आपको स्निपिट में आता तो अलग बात होती है, यहाँ पे लॉन्ग टेल पे आ रहा है शॉर्ट टेल पे आ रहा है तो ये अलग बात है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, पता नहीं कितना टाइम हुआ वीडियो बनाया हुआ, 8-10 मिनट 11 मिनट का वीडियो हो गया है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, अगर सही नहीं लगा किसी तरह कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे कुछ नए कॉन्सेप्ट साथ, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय, टेक केयर।